हरे कृष्णा। आध्यात्मिक जीवन में, विशेष रूप से भक्तिमय जीवन में या कृष्ण भावनामय जीवन में एक चीज़ें बहुत अधिक जोर दिया जाता है और वह है श्रवण। अंग्रेजी में बोलते हैं हेयरिंग, यानी कान से सुनना। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जब भक्ति का वर्णन करते हैं नौविधियों का, तो नौ विधि में श्रवणम सबसे पहली बताई है उन्होंने। बाकी फिर आठ विधियाँ और हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दासम, साख्यम, पाद निवेदनम वगैरह वगैरह। लेकिन जितनी आठ विधि हैं, ये सारी की सारी पहली विधि श्रवणम पर निर्भर है। तो श्रवणम होना बहुत जरूरी है। गीता में भगवान ने कहीं कहीं जगह श्रवणम पर बहुत जोर दिया है। तत् सुनो, अर्जुन को बोलता है अर्जुन सुनो, ध्यान से सुनो, अटेंटिव होकर सुनो। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है, यस्वेशूण माणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पुद्धते पुंसा शोक मोह भयापह। यहाँ पे भी श्रवण का बहुत अधिक जोर दिया गया। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति, भगवान की कथाओं को किसी प्रमाणिक भक्त से सुनता है और सुनने के बाद क्या होता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति फीलिंग्स आ सकती हैं, डेवलप करता है, लविंग फीलिंग्स डेवलप करता है। वो केवल ऊपर से बोलता नहीं है बल्कि हृदय में भी इस फीलिंग है, उसके हृदय धड़कता है भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथाओं को सुनकर। उसके मन में जो लेमेंटेशन है यानी शोक होता है वो खत्म हो जाता है, फियर यानी भय खत्म हो जाता है, और इल्यूजन सब खत्म हो जाता है। तो कहने का भाव ये, भक्ति का जो पथ है इसमें श्रवण का बहुत महत्व है। तो श्योरली श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान की कथाएं सुनना, सही साधु संघ में सुनना, सही प्रामाणिक लोगों के साथ सुनना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। सो हेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज इट्स अप्लीकेशन ऑल्सो। तो श्रवणम महत्वपूर्ण है, नो डाउट। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, हम जो सुन रहे हैं उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि वो हम नहीं कर रहे, केवल सुन रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन केवल हमारे हेड तक रहेगी। बहुत शास्त्र पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, दुनिया भर के शास्त्र जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमारे दिमाग में केवल सूचनाएँ रहेंगी, तो हम एक शास्त्रीय गूगल बन सकते हैं। बस हम सब ये बटन दबाएगा, ढाड़ ढाड़ हम सारी सूचनाएँ निकाल देंगे, इतना ही होगा। लेकिन अगर वो हमने अपने जो सुना है उसको हमने अपने आचरण में नहीं उतारा है, हम उसे अपने कैरेक्टर से, अपनी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सुनने वाले पर इसका ज़्यादा समय तक प्रभाव नहीं रहेगा। शुरू में लोग नए नए होते हैं, मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, वह आते हैं भक्तों के पास, उन्हें जानकारी मिलती है, उनको अच्छा लगता है, थोड़ा ज्ञान मिलता है। लेकिन जब वही लोग देखते हैं कि आदमी जो कह रहा है इसके बिहेवियर में नहीं है, इसके आचरण में नहीं है, लोग जल्दी छोड़ देते हैं ऐसे लोगों को। इसी समय वो साधु बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं। कहने का भाव यह है कि हेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज एप्लीकेशन ऑल्सो। जो सुन रहे हैं उसको आचरण में उतारना बहुत अधिक आवश्यक है। तो जो हम सुनते हैं उसको साथ में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए अपनी रूटीन लाइफ में, डेली राइट में। हमने मान लिया हमने कोई प्रिंसिपल सुना ह्यूमिलिटी का, ह्यूमिलिटी के बारे में प्रभुपाद जी ने कुछ बताया, ह्यूमिलिटी कैसी होती है, उसे क्या लक्षण है, सुने हम उसका प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी रूटीन लाइफ में। जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है तो चेक करना चाहिए, हमें लोग उत्तेजित करने आते हैं तो हम कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्पॉन्स भी आचार्य बताते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है अंदर का रिस्पॉन्स, एक होता है बाहर का रिस्पॉन्स। तो डिवोटी एक सिचुएशन में दोनों तरह से रिस्पॉन्स करता है, इंटरनल भी करेगा, एक्सटर्नल भी करेगा। तो अप्लीकेशन बहुत आवश्यक है। यदि अप्लीकेशन नहीं होगा तो हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जब हमारा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो एक्चुअली हम प्रीचिंग भी नहीं कर पाएंगे। प्रीचिंग मीन्स वॉट? प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रीचिंग मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। टीचर वो होता है जिसके संपर्क में लोग आते हैं तो वो उनका हृदय परिवर्तित कर सकता है, उसको टीचर बोला जाता है, ना कि खूब सारी भीड़ लगा लेना। टीचर का मतलब है कि आपने कितने लोगों का हृदय ट्रांसफॉर्म किया, वो सब्सटेंशियल प्रीचिंग। अगर एक का भी कर दिया वो उससे, वो आपने सॉलिड प्रीचिंग करी है। प्रभुपाद जी के मिशन में, भगवान चेतन महाप्रभु के मिशन में आपने बहुत बड़ा एक अपना योगदान दिया है, यदि हम एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तित कर पाए तो। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि हम जो सीख रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, उसको अपना डेली रूटीन में प्रैक्टिस करें, अपने आचरण में उतारें। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक बोल सकते हैं, अपना ज्ञान दिखा सकते हैं, ये नए लोगों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। इट इज़ गुड टू इम्प्रेस न्यू फाइट्स। बड़े अच्छे श्लोक बोलते हैं, ट्रांसलेशन दे दिया, परपट दे दिया, सब बोल दिया, लेकिन बिहेवियर में नहीं है, तकलीफ है। तो फोकस हमारा हेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, साथ में एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी, क्योंकि उस एप्लीकेशन से हमें जो श्रवण हम कर रहे हैं, जो फिलोसफी सुन रहे हैं, उससे साक्षात्कार तभी आएंगे। नहीं तो फिर ज्ञान रह जाएगा लेकिन विज्ञान में हमें परिवर्तित नहीं होगा। एक भक्त को ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ में चलना चाहिए। तो हेयरिंग भी इम्पॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। और यदि हम किसी वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में करें, आह फिर तो क्या कहना, सोने पर सुहागा है। तो हम प्रयास करना चाहिए, हम लोगों को खासतौर से, मैं अपने आप से भी अवश्य
ये कोशिश करता हूँ कि जो हम प्रवचन सुन रहे हैं उसको लाइफ में प्रैक्टिस जरूर करें, उस रिफ्लेक्शन को लिखें, नोट करें। रिफ्लेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब क्लास सुनते हैं क्लास में एक पर्टिकुलर चीज़ मैसेज पकड़ना चाहिए, क्या मैसेज है, उस मैसेज को लें, फिर उसको अपने उससे कैसे प्रैक्टिस किया, उससे रिफ्लेक्शन लिखें, उसके बाद उसी प्रैक्टिस करने के बाद हृदय में क्या फीलिंग्स आई है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसको हम लिखें। इस तरह से यदि हम करें, ये एक तरीका, ऐसे बहुत तरीके होते हैं, एक मैंने अपनी बात को समझाने के लिए तरीका बताया, तो इस तरह से यदि हम करें तो हमारी हेयरिंग फिर बहुत पावरफुल होगी। उस हेयरिंग से जो बोल रहे हैं शोक मोह भयापा, तब हमारा शोक खत्म हो जाएगा, जो इल्यूजन जो मोह है वो खत्म हो जाएगा, और हम फेयरलेस हो जाएंगे, जीवन में भय नहीं रहेगा फिर। हरे कृष्ण।